अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा किराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि ये टेबल किस तरह से आएगा आपको पेपर में। देखें जी, इस तरह उसने टेबल में मुख्तलिफ कॉस्ट आपको दी होंगी, यानी यहाँ से 18 मिस होगी, यहाँ से 30 मिस हो सकती है। इस तरह का टेबल आपको आ सकता है कॉस्ट में भी और रेवेन्यूज में भी आपको इस तरह का टेबल आ सकता है, और इसमें से कुछ फिगर्स, कुछ अमाउंट्स मिस होंगी, आपने कैलकुलेट करके मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एनुअल एग्जामिनेशन 2021 के लिए फेडरल बोर्ड आईकॉम पार्ट वन के स्टूडेंट्स को उनके पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का गेस देंगे। इसलिए अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं भी है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, ताकि आपके जरिए से ये वीडियो आईकॉम पार्ट वन के स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और अपने पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की अच्छी तरह से तैयारी कर सके। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के गेस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको देख कर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार कर लें। तो सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और उसके फोर पॉइंट्स जो हैं वो आपने तैयार करने हैं। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स वालों को भी मैं साथ साथ ट्रांसलेशन करके देता जाऊंगा। एडम स्मिथ की मुआशियात की तारीफ और उसके चार अहम नुकात। डेफिनेशन ऑफ मार्शल प्लस फोर करेक्टरिस्टिक्स। मार्शल की मुआशियात की तारीफ और उसकी चार खसूसियात। डेफिनेशन ऑफ रॉबन्स एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। रॉबन्स की मुआशियात की तारीफ और उसकी तारीफ के अहम नुकात। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड डेफिनेशन भी, और इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है आपसे वो। इस्तखराजी और इस्तकराई तरीका इस्तदाल, इनकी तारीफें और इनमें फ़र्क भी वो आपसे पूछ सकता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कानून ने तकलील अफादा मुख्तम की वो आपसे तारीफ पूछ सकता है। डिफाइन डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, तलब और कानून तलब की तारीफ। नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड, खत्ते तलब का मनफी झुकाव। डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक की तारीफ और उसके अवामल। इसकी मजीद डिटेल से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट कि आईकॉम पार्ट टू के स्टूडेंट्स के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस का अरेंजमेंट किया है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस की तमाम डिटेल से आगाह कर देंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि उनका कोई लेक्चर और कोई गेस्ट मिस ना हो सके। स्टूडेंट्स, और आप इस वीडियो को और चैनल की दीगर तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि आपकी वजह से उनका भी फायदा हो सके। काजेज ऑफ चेंजेस इन डिमांड, तलब में तब्दीली की वजूहात। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तलब का फैलना और सिकुड़ना। राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड, तलब का बढ़ना और गिरना। वो आपसे इनका फर्क भी पूछ सकता है, किन का फर्क? एक्सटेंशन एंड राइज का फर्क, कॉन्ट्रैक्शन एंड फॉल का फर्क, यानी कि फैलने और बढ़ने में क्या फर्क है, और तलब के सिकुड़ने और तलब के गिरने में क्या फर्क है जी। सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई, रसद और कानून रसद की तारीफ। सप्लाई वर्सेस स्टॉक, रसद और जखीरा में फर्क। इफेक्ट्स इन इक्विलिब्रियम, तवाजन पर असरात, कौन सा तवाजन, कौन सा इक्विलिब्रियम? डिमांड एंड सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम होता है उसके ऊपर आपसे कोई सा भी एक इफेक्ट पूछ सकता है आपसे, कि वो डायग्राम के जरिए से आप उसको वाजे करें। फोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, जमीन की चार खसूसियात। डिफाइन लेबर प्लस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर, मेहनत की तारीफ और उसकी खसूसियात। इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल, सरमाया की अहमियत। टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट की डेफिनेशंस। कुल पैदावार, मुख्तम पैदावार और औसत पैदावार की तारीफें। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, कानून तकलील हासिल। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट क्या होती हैं आपने इनकी डेफिनेशंस कर लेनी है, इनके फार्मूला कर लेने हैं। और एक टेबल भी आपको वो क्वेश्चन में दे सकता है, वो मैं अभी बताता हूँ कि कौन सा टेबल होगा और आपको कैसे क्वेश्चन आएगा। मुयना मसारफ, मुतगैरा मसारफ, कुल मसारफ और मुख्तम मसारफ। औसत मुयना, औसत मुतगैरा और औसत मसारफ, इन तमाम की तारीफें, इनके फार्मूले और इनका एक टेबल आपको पेपर में आएगा, वो भी बता देता हूँ आपको कौन सा टेबल आएगा। औसत मुसारफ का खत यू शक्ल में क्यों होता है, वाई एसी कर्व इज यू शेप। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, इसकी डायग्राम।
यानी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशनशिप की वो आपसे डिस्क्रिप्शन भी पूछ सकता है, और ये भी कह सकता है कि आप इसको डायग्राम की मदद से भी जाहिर करें। औसत मसारफ और मुख्त मसारफ में ताल्लुक और डायग्राम, यानी ताल्लुक आपसे पूछ सकता है कि इनका ताल्लुक बयान करें, और ये भी पूछ सकता है कि आप डायग्राम से भी ताल्लुक को जाहिर करें। एवरेज रेवन्यू, मार्जिन रेवन्यू, टोटल रेवन्यू और टेबल, औसत वसूली, मुख्त वसूली और कुल वसूली की तारीफें और टेबल। अभी स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये टेबल किस तरह से आएगा आपको पेपर में। देखें जी, इस तरह उसने टेबल में मुख्तलिफ कॉस्ट आपको दी होंगी और यहाँ पे खाली जगह होंगी, आपने खाली जगह को पुर करना है कि यहाँ पे कौन सी कॉस्ट आएगी, यानी यहाँ से 18 मिस होगी, यहाँ से 30 मिस हो सकती है। आपने इस टेबल को कैलकुलेट करके इसकी जो अननोन वैल्यूज होंगी उनको फिलअप करना है। इस तरह का टेबल आपको आ सकता है कॉस्ट में भी और रेवेन्यूज में भी, आपको इस तरह का टेबल आ सकता है। इस तरह का प्राइस, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू दिए होंगे कॉलम उसने, और इसमें से कुछ फिगर्स, कुछ अमाउंट्स मिस होंगी, आपने कैलकुलेट करके मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी स्टूडेंट्स। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, सरी मसारफ और मुजमर मसारफ, इनकी तारीफें और फ़र्क, इनकी डेफिनेशंस और डिफरेंस पूछ सकता है आपसे। नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की डेफिनेशंस और डायग्राम, कि डायग्राम की मदद से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को जाहिर करें। मामूली मुनाफा और गैर मामूली मुनाफा की तारीफें और डायग्राम, यानी कि कहेगा कि डायग्राम की मदद से मामूली मुनाफा या गैर मामूली मुनाफा को जाहिर करें। परफेक्ट कंपटीशन, इसकी फोर कंडीशंस, डेफिनेशन, डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट और डायग्राम। परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम इस क्वेश्चन में भी कवर हो जाएगी, क्योंकि ये भी परफेक्ट कंपटीशन का ही क्वेश्चन है। मुकम्मल मुकाबला की तारीफ, शरायत और कीमत और पैदावार का तायुन। कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, तमाम कॉन्सेप्ट्स कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो जीडीपी, पर्सनल इनकम और डिस्पोजिबल पर्सनल इनकम, इनको लाजमी कर लीजिएगा। पर्सनल इनकम और डिस्पोजिबल पर्सनल इनकम का आपसे वो डिफरेंस भी पूछ सकता है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, कौमी आमदनी के तमाम सवरात कर लें तो बहुत अच्छी बात है। खाम कौमी पैदावार, खालस कौमी पैदावार, खाम मुल्की पैदावार, शख्सी आमदनी और काबिल तसर्रफ शख्सी आमदनी, अहम जो है आपकी वो खाम मुल्की पैदावार और शख्सी आमदनी और काबिल तसर्रफ शख्सी आमदनी। शख्सी आमदनी और काबिल तसर्रफ शख्सी आमदनी में वो आपसे फ़र्क भी पूछ सकता है। नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइस, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कीमत पर कौमी आमदनी और मार्केट कीमत पर कौमी आमदनी, ये दोनों टॉपिक्स भी अहम हैं, और जिनकी बुक्स में ये टॉपिक्स नहीं है वो इंटरनेट से इनकी डेफिनेशन ले सकते हैं। डेप्रिसिएशन अलाउंस, घिसाई या फसूदगी अलाउंस, सब्सिडी एंड डबल काउंटिंग, आना से क्या मुराद है और दोहरी गिनती से क्या मुराद है, प्रिकॉशंस इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी की पैमाइश में एहतियातें, डिफाइन मनी फॉर फंक्शंस ऑफ मनी, जर की तारीफ और उसके चार फ्राइज। गैस की वीडियो अख्तितम की तरफ जा रही है, इसलिए मैं आपको एक मरतबा फिर याद दहानी करवाना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में मौजूद बच्चे और वो बच्चे जो पाकिस्तान से बाहर हैं और आईकॉम पार्ट टू की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ कायम करें, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस की तमाम डिटेल से आगाह कर देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आपका कोई लेक्चर और कोई गेस्ट मिस ना हो सके स्टूडेंट्स। और आप इस वीडियो को और चैनल की दीगर तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक भी लाजमी करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय भी ज़रूर दिया करें। फोर फेजेज ऑफ ट्रेड साइकिल प्लस डायग्राम, तजारती चक्कर के चारों अदवार की तफसील और डायग्राम। बाज़ दफ़ा सिर्फ तफसील पूछ लेता है और बाज़ दफ़ा डायग्राम भी पूछता है। विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, गैर मुल्की तजारत में मरई और गैर मरई अशिया। डिफाइन इंटरनेशनल ट्रेड, गैर मुल्की तजारत की तारीफ। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, इनकी डेफिनेशन और इनमें डिफरेंस। तवाज़ुन तजारत और तवाज़ुन अदायगी की तारीफें और इनमें फ़र्क। डिफाइन ज़कात एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ज़कात की तारीफ और इसके अहम नुकात। इम्पोर्टेंस ऑफ ज़कात, ज़कात की अहमियत। रेट ऑफ ज़कात, शरा ज़कात। बेनिफिशरीज ऑफ ज़कात, मुस्तहकीन ज़कात।
डेफिनेशन एंड रेट ऑफ उशर, उशर की तारीफ और शरह। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक यहाँ आपके सामने आ रहा है, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी तो आप इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो इस लिंक से देख सकते हैं। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। जज़ाकअल्लाह।